घर में ही हम जाली बना सकते हैं, जैसे फेंस के लिए यूज़ करते हैं, घर के बाहर वाली चारदीवारी के लिए यूज़ करने के लिए हम जाली बना सकते हैं इससे। और जे डाई का मैंने कैसे बनाई जाती है वो वाला वीडियो पहले डाल चुका हूँ। और जहाँ पे मैं कुछ अपने फ्रेंड्स के डाउट क्लियर करना चाहता हूँ, जैसे कि इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ, कि कुछ मेरे दोस्तों का कहना है कि जे डाई बेंड हो जाती है जब इसे चलाते हैं, तो जी बेंड हो जाती है। इसका कारण ये होगा, अगर जे डाई बहुत लंबी होगी, अधिक लंबी होगी, तो ये वेंट होना शुरू हो जाएगी। और इसके नीचे जे वाला जॉइंट करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम यहाँ पे जॉइंट नहीं करेंगे तो उसका एक कारण होगा कि ये जो डाई है, यहाँ से अगर हम इसके अंदर जो शाफ्ट चलेगी तो इसे ना बेंड करना शुरू कर देगी। तो और यहाँ पे मैंने दो ये राउंड टायर की तरह वाशर डाले हैं, जहाँ से हम वायर को निकालेंगे। यहाँ से वायर निकालने के पर्पस ये है कि जो तार है वो ना ढीली नहीं चलेगी। तो मैंने इसके नीचे तीन जे बोल्ट लगाए हुए हैं तीन, और इसी के हिसाब से यहाँ पर एक फट्टे पे मैंने तीन सराख निकाले हुए हैं। तो हम इसे ऐसे इसमें डालेंगे और नीचे से इसके स्क्रू टाइट कर देंगे। स्क्रू अच्छी तरह टाइट कर लीजिए कि आपकी जो जी छोटा सी मशीन है जो हिले नहीं, हिलेगी डुलेगी तो जो अच्छे से फ़र्क नहीं कर पाएगी। तो इस और मैंने जी एक शाफ्ट बनाई हुई है, ये शाफ्ट थोड़ी मोटी पत्ती की होनी चाहिए। और ये यहाँ से इसकी जो कॉर्नर है वो एकदम स्मूथ होनी चाहिए। और ये जो पाइप है जिसको हमने काट के ये वाला बनाया है, डाई बनाई है, तो ये अंदर से भी एकदम स्मूथ होनी चाहिए। अगर अंदर से स्मूथ नहीं होगी तो यहाँ पे हमें ना ये जो शाफ्ट इसमें घुमाने में दिक्कत आएगी। तो इन बातों का ध्यान रखें। और एक बात और है कि इसे थोड़ा लुब्रिकेशन कर ले, लुब्रिकेट कर लें, कोई भी मशीन का तेल या कोई मुगलैल या ग्रीस आदि डाल लें, जिसकी ये अच्छी तरह घूमती रहे और कहीं पर फंसे नहीं, और इसे घुमाने में भी थोड़ी आसानी होगी अगर ये लुब्रिकेशन अच्छी तरह की होगी हमने। तो आगे बढ़ते हैं। और मैंने एक ये हैंडल बनाया है इसे चलाने के लिए। ये टोटली होममेड मशीन है, तो इसे हाथ से ही चलाएंगे। यहाँ पे मैंने दो ये लोहे के टुकड़े लगाए हुए हैं, ऐसे बनाया हुआ है इसे। और सेम इस यहाँ पे शाफ्ट में ऐसे ही कट डाला हुआ है। तो ये वाली शाफ्ट हम हैंडल को ऐसे यहाँ पर लगा लेंगे और इसे ऐसे हाथ से ही घुमाएंगे। तो शाफ्ट थोड़ी ये लंबी ली है मैंने कि ज़्यादा जोर ना लगाना पड़े। तो यहाँ भी हम थोड़ा तेल लगाएंगे लुब्रिकेशन के लिए और देखेंगे कि कैसी जाली जी बनाती है।
ये देखिए अब ये अच्छी तरह घूम रही है, टाइट नहीं चल रहा। तो ऐसे ही दोनों को तेल डाल लीजिए, दोनों में तेल डालने से ये स्मूथ हो जाएंगी। सेम इस डाई में भी थोड़ा तेल लगाएंगे। यहाँ पर भी तेल लगाने से इसे चलने में आसानी होगी। ध्यान रखें कि ये वाली जो शाफ्ट है वो डाई में अच्छी तरह स्मूथ चलनी चाहिए। अगर स्मूथ नहीं चलेगी तो हमारी जाली यहाँ से नहीं बनेगी। ये देखिए ये अच्छे से घूम रही है और स्मूथ चल रही है। यहाँ पे मैंने ऐसी तार ली है, ये रोल मैंने शायद 100 रुपये का लिया था। तो इस तार को देखे तो जी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, थोड़ी सॉफ्ट वायर है। आप कोई और भी तार यूज़ कर सकते हैं लेकिन ये तार अच्छी रहती है। तो आगे हम जो प्रैक्टिकली देखेंगे कि ये जाली कैसी बनती है, तो हम ट्राई करते हैं। इसे थोड़ा खोल लेते हैं तार को, देखिए मैंने तार निकाली है। तार मैं पीछे ही रख लेता हूँ कि मुझे कोई मुश्किल ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए इससे।
हम इसे ऐसे डालेंगे तार को, और पहले इस टाइप को निकाल लीजिए। तार को यहाँ से डाल लीजिए, तो दोस्तों मैं आपको जो छोटे छोटे पीस ही बना कर दिखाऊँगा, क्योंकि मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैं छोटे छोटे पीस ही बनाऊँगा इसकी। तो ये देखिए आपको ये बनना शुरू हो गई है। अब थोड़ा अच्छी से यहाँ पे इसे लगा लीजिए, मैंने टेम्परेली किया है तो आपको दिखाने के पर्पज से। तो ये देखिए अब हम यहाँ से इसे काट लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हम काट लेते हैं, यहाँ पे यहाँ से काट लिया। तो इसी साइज़ का हम आगे बनाएंगे थोड़ा और। तो ये देखिए तो जी मैंने तीन पीस बना लिया है इसके। तो इसे हम ऐसे जी यहाँ से इसके बीच से ऐसे निकाल देंगे। तो देखिए आगे वाला पीस लेंगे और इसे भी यहाँ से निकाल देंगे। ये पहले वाला पीस है, तो आप देख सकते हैं कि ये कैसी अच्छी जाली यहाँ से फेंस बन रही है। अगर आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे मैंने जो छोटी एक बनाई है सिर्फ एक उदाहरण के लिए, आप जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप कितनी भी लंबी बना सकते हैं इसको। तो ये काफ़ी मजबूत है और तार थोड़ी सॉफ्ट लीजिए। डाई को लुब्रिकेशन करना, लुब्रिकेशन
कर लीजिए कि दाई जो ना अच्छी से चल सके। तार थोड़ी स्मूथ लीजिए, इतनी भी हार्ड वायर ना लीजिए जो को आपकी डाई को बेंड करे। डाई का साइज़ छोटा होना चाहिए और ये जो हैंडल है ये भी अच्छी से एंकल में होना चाहिए, और ये जो शाफ्ट है इसके ये जो कॉर्नर है ये स्मूथ होने चाहिए, और अंदर से ये डाई है ये अंदर से भी स्मूथ होनी चाहिए। और इसे प्रॉपर से किसी बेंच पे आप ऐसे फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपने ये हैंडल बनाया है सिर्फ हाथ के हाथ से चलाने के लिए, तो आप यहाँ पे कोई मोटर वगैरह भी लगा सकते हैं। और ये जो वायर है इससे मैंने थोड़ी वायर का पीस लिया था सिर्फ एक एग्जांपल के लिए, तो आप यहाँ पे इसे पूरी तरह फिक्स कर सकते हैं। फिक्स कर लीजिए, अगर आपका काम थोड़ा ज़्यादा है तो आप इसे फिक्स कर दीजिए, और फिक्स करके ही कीजिए, आप थोड़े समय में ये जाली अपनी बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो वायर है वो आप थोड़ी स्मूथ ही लें, मेरा बार बार कहना है कि वायर स्मूथ होनी चाहिए और ये डाई स्ट्रेट होनी चाहिए। अगर इसमें कहीं पे बेंड होगा बल होगा तो ये भी अच्छे से नहीं काम करेगी। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू।